नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। एक अंगुली से आप कितना वजन उठा सकते हैं आप कल्पना करके देखिए। एक सामान्य कदकाठी और ताकत वाला शख्स 5 से 10 किलो तक का वजन उठा सकता है, लेकिन यहां बात हो रही है 90 किलो के एक पत्थर की। क्या वो मुमकिन है एक अंगुली से कोई उठा ले? आप सोचेंगे कि ये कैसी पहेली है। ये तो सीधे सीधे बल और ऊर्जा की भौतिकी सिद्धांत को चुनौती है। जी हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यदि हम कहें कि यह साक्षात होता है और रोज किया जाता है तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपकी इसी हैरानी की सीमा का हम इम्तिहान लेते हैं। आज के रहस्य में उस पत्थर की मिस्ट्री समझाते हैं जिसे उठाने की प्रक्रिया देख विज्ञान भी मान लेता है। आस्था और एकता में ताकत बहुत होती है। आस्था में ताकत तो अद्भुत होती है, ये बात विज्ञान भी कहता है, लेकिन हम इसे साक्षात देखने जा रहे थे। मुंबई की भीड़ भाड़ से करीब 150 किलोमीटर दूर 90 किलो वजनी एक पत्थर हमें लगातार आकर्षित कर रहा था। कार की रफ्तार के साथ उस चमत्कार की कल्पना हमें लगातार उत्सुक किए जा रही थी। जैसे सुरंग के उस पार कोई रोशनी अभी जगमगाएगी और हमारे सामने पूरा रहस्य उजागर हो जाएगा। हम जिस जगह की तरफ बढ़ रहे थे वो पुणे बेंगलुरु हाईवे पर है, नाम है खेड़ शिवापुर। मुंबई और पुणे के बीच इस शिवापुर गांव में है 800 साल पुरानी दरगाह। सूफी संत हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह। झोली को मेरी भरना, झोली को मेरी भरना, बंदा नवाज पा जा। जहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है ये पत्थर। दरगाह में दर्शन दुआ के लिए देश दुनिया के तमाम लोग पूरे साल आते हैं। उनके लिए आज भी सबसे बड़ी जिज्ञासा का केंद्र होता है ये 90 किलो का पत्थर। इस पत्थर को हर कोई उठाना चाहता है, अपने अपने तरीके से उठाने की कोशिश करता है, कोई अकेले तो कभी 2-3 लोग मिलकर। लेकिन पत्थर कमर की ऊंचाई तक तो उठता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं उठा पाता। इसे लेकर यहाँ कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कि सिर्फ इनके नाम से ऊपर जाता एक करामत है कि कुछ ऐसा मन्नत पूरा होता वो नहीं, सिर्फ इनके नाम से ऊपर हो जाता एक करिश्मा है, वो करामत है। पत्थर के बारे में लोगों का ये कौतूहल हमें भी हैरान कर रहा है। हम चमत्कारी पत्थर का पूरा रहस्य साक्षात देख रहे थे, लेकिन पहली वही थी। आखिर इस 90 किलो वजनी पत्थर में ऐसी क्या खास बात है जो किसी एक अकेले से न उठे, वो उंगलियों के सहारे हवा में उछल जाता है। ये दृश्य और भी हैरान करने वाला था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पत्थर को उठाने की प्रक्रिया और इसकी कुछ खास शर्तें जो रहस्य को और गहरा कर रही थी। 11 लोग और एक जा। 11 लोग लगाएंगे सिर्फ एक उंगली और हवा में यूं उछलता पत्थर। फैमिली लोगों के साथ खुशी से मनाने के लिए इधर देखने क्या है कि करामत कैसी चलती है। एक उंगली से जब उठ रहा है तो चमत्कारी पत्थर हुआ ना, कुछ तो है क्योंकि 11 उंगली से उठ रहा है बेसिकली। इस रहस्यमय पत्थर के पीछे का जो चमत्कार है
वो आपको दिखाने के लिए हम इस वक्त उस पत्थर के बिल्कुल पास में मौजूद हैं और हमारे साथ वो 11 लोग हैं जो अब अपनी उंगलियों पर इस पत्थर को उठाएंगे। जो नियम है, जो विश्वास है, वो ये है कि जब 11 लोग एक साथ अपनी एक उंगली से इस पत्थर को उठाते वक्त कमर अली दुर्वेश कहते हैं तो ये पत्थर जमीन से आसमान तक उठ जाता है। इस पत्थर के रहस्य को आगे समझने के लिए पहले आप पूरा सीक्वेंस देखें, किस तरह 11 लोग जमा होते हैं, पत्थर के नीचे अपनी अपनी उंगलियां रखने के लिए जगह बनाते हैं। यहाँ पर आप दो बातों पर गौर कीजिए, पत्थर उठाने के लिए सिर्फ 11 लोग, न इससे कम और न ही इससे ज्यादा, और पत्थर उठाते हुए सिर्फ एक ही जयकार। अगर इसमें कहीं से भी कमी बेसी हुई तो पत्थर जमीन से उठते ही गिर जाता है। यहाँ आकर पत्थर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि पत्थर उठाने के लिए सिर्फ 11 लोग ही क्यों, 10 या 12 भी तो हो सकते हैं, और फिर उठाते हुए पीर कमर अली दरवेश का ही जयकारा क्यों? वजह उठाने के लिए और भी जयकारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे दम लगा के हाय सा, लेकिन दूसरा जयकारा यहां क्यों नहीं काम करता? दिलचस्प बात यह भी है कि पत्थर उठाने की यह प्रक्रिया किसी ट्रेंड समूह में नहीं होती, बल्कि यहां आने वाला कोई भी शख्स इसमें शामिल हो सकता है। शर्त बस वही कि अंगुलियां 11 होनी चाहिए और जयकारा पीर का ही लगना चाहिए। इस जयकारे के साथ पत्थर उठाते लोग जब कामयाब होते हैं तो अपने आप एक आस्था और विश्वास से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पीर कमर अली दरवेश के नाम में ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसकी बदौलत वो 11 उंगलियों से 90 किलो वजन का पत्थर उठा लेते हैं। खास बात ये भी है कि 11 लोगों की उंगलियों का जोर एक जितना होना चाहिए और आवाज भी एक जितनी ऊंची होनी चाहिए। अगर आवाज जिस तरफ से कम आई, पत्थर उसी तरफ गिर जाता है। 11 आदमी का एक ही आवाज होना चाहिए, कमर अली दुर्वेश, जिधर सांस थोड़ा कम हो गया पत्थर उस तरफ झुक जाएगा। ऐसा होते हुए लोग साक्षात देखते हैं और इसके पीछे चमत्कार मानते हैं पीर का। लोगों की इस आस्था की वजह है खुद कमर अली दरवेश, जिन्हें पूरे इलाके में धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर मानते हैं। उनके दर पर मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने पर दर्शन करने आते हैं। ये सिलसिला 80 सालों से चल रहा है। हजरत कमर अली 14वीं शताब्दी में सूफी परंपरा से जुड़े एक बैरागी थे। कहते हैं कमर अली का इंतकाल 18 साल की उम्र में ही हो गया था, तब तक वो पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे। इंतकाल के बाद इन्हें यहीं दफनाया गया, इसके बाद उन्हें संत की उपाधि दी गई। जिस तरह आज लोग यहाँ पत्थर उठाते हैं, युवा कमर अली के जमाने में पहलवान यहाँ वजनी पत्थर उठाकर अपनी ताकत बढ़ाते थे। कमर अली के माता पिता भी चाहते थे कि बेटा उनका पहलवान बने। आज 800 साल बाद भी लोग वैसे ही हैरान होते हैं, आखिर उंगलियों की बदौलत इतना वजनी पत्थर उठाने की तकलीफ क्या है। ये देखने के लिए कि क्या वाकई इस पत्थर का वजन इतना ज्यादा है कि 1, 2, 3 लोग इसे नहीं उठा सकते, हमने कुछ लोगों को यहाँ पर जमा किया है। हम चाहेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक शख्स कोई आकर इस पत्थर को उठाने की कोशिश करे, ताकि ये पता चले कि वाकई में इस पत्थर का वजन कितना ज़्यादा है। आप ज़रा कोशिश करिए इसको उठाने की, आप उठाइए, ये देखिए, ये इस पत्थर को, ये देखिए इस पत्थर को उठाना एक आदमी के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया
किसी भी एक शख्स के लिए पत्थर उठाना मुश्किल है। हमने एक दो लोगों को और कहा कि वो मिलकर पत्थर उठाने की कोशिश करें, लेकिन तब भी ये मुमकिन नहीं हुआ। यानी 11 लोगों की करिश्माई कामयाबी से पहले हमने तमाम तरकीबें लगाई, लेकिन कोई भी इसे इस तरह नहीं उठा पाया जैसे 11 लोगों की साझी कोशिश से ये पत्थर उठता है। अब ये रहस्य ऐसा है जिसे समझने के लिए हमने विशेषज्ञों से बातचीत की। ये वैशाली बम्बोल हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में भौतिकी विभाग की अध्यक्ष। वैशाली खुद भी ये चमत्कार अपने आंखों से देख आई है और मानती हैं कि विज्ञान सिद्धांतों से यहाँ ज्यादा काम करती है लोगों की श्रद्धा और उससे उनकी शक्ति। सो फेथ है, हमारी श्रद्धा है, इससे हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं। इंस्पायर्ड होकर हम एक कलेक्टिव, सब लोग मिलकर एकजुट होकर कुछ एक साथ करना चाहते हैं। सो जब हम एक साथ मिलकर, अभी इस केस में ये 11 लोग मिलकर जब एक साथ कहते हैं कि कमर अली दुर्वेश, ऐसा जब जोर से कहते हैं तो सबकी एनर्जी एक साथ जुड़ जाती है और इससे ये जो चीज़ें हमें सामान्य तौर पे जो इम्पॉसिबल लगती है वो भी पॉसिबल होना, वो पॉसिबल हो सकती है। तो क्या श्रद्धा और इंसान की आस्था की शक्ति के आगे विज्ञान भी इस तरह नतमस्तक हो जाता है, या फिर चमत्कारी पत्थर के रहस्य का पहलू कुछ और है? अब हमारे सामने चुनौती थी ये समझने। अब विज्ञान तो कहता है कि अगर ऊर्जा के दो स्रोत अलग अलग चीजों पर आजमाए जाएं, तो उनका असर अलग होता है, लेकिन अगर दो या दो से अधिक स्रोतों का इस्तेमाल एक ही दिशा और एक ही चीज पर किया जाए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। जैसे चमत्कारी पत्थर को उठाने में 11 लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल, लेकिन यहां सवाल यह था कि 90 किलो का पत्थर उठाने के लिए सिर्फ 11 लोग ही क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिन 11 लोगों की ताकत से यह पत्थर उठता है, उतनी ही ताकत के कम लोगों के इस्तेमाल से क्यों यह टस से मस नहीं होता? न्यूटन का तीसरा नियम हम सबने स्कूली किताबों में पढ़ा है कि कैसे एक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा से भी क्रिया होती है। जैसे कोई गेंद या कोई दूसरी वस्तु जो जिस गति से सामने किसी चीज से टकराती है उसी गति के बराबर फेंकी गई जगह की तरफ लौटती है। न्यूटन का ये सिद्धांत तो गति पर आधारित है, लेकिन इस थ्योरी में गति के साथ बराबर के बल का भी अंदाजा होता है। भौतिकी में इसका एक फॉर्मूला होता है, F=ma, F=mass × acceleration। इससे आप कुछ ऐसे समझिए, किसी वस्तु पर लगा बल उसके मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी गति बढ़ाने के दर के बराबर होता है। यानी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी तेज गति से लागू होगा उस पर बल की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। विज्ञान का ये सिद्धांत किस तरह इस पत्थर को उठाने में लागू होता है, अब इसे गौर से देखिए। इस पत्थर को उठाने में लगे हुए 11 लोग सिर्फ एक अंगुली ही पत्थर के नीचे लगाते हैं, लेकिन उठाते वक्त एक पॉइंट पर तेज गति के साथ अपने बल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सभी 11 लोगों का बल एक वक्त पर एक दिशा में और एक गति के साथ लगता है, सारे लोगों का साझा बल पत्थर के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि पत्थर उठाने के लिए सिर्फ 11 लोग ही क्यों? तो इसका भी विज्ञान समझ लीजिए। मान लीजिए अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है और 11 लोगों की मिलकर ही उतनी होती है, तो इस केस में 11, अगर 10 लोग में अगर वो 99 होती है तो नहीं होगा। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स तो एकदम माने ठोस होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि 100 डिग्री पर जाकर ही वाटर वेपर बनेगा, अगर आप उसमें 99 डिग्री तक आप हीट करोगे तो वो वाफ बनेगी नहीं उसकी। उस तरह से इस केस में अगर वो नंबर 11 है तो 11 है। पत्थर के रहस्य को लेकर यहाँ तक का विज्ञान तो क्लियर है। संभवतः इसी तरकीब पर पीर कमर अली ने भी अपने जमाने में पत्थर को उठाकर दिखाया होगा, लेकिन आज इस पत्थर को जो चीज रहस्यमयी बनाती है वो है इसे उठाते वक्त किया जाने वाला जाप।
आस्था की भाषा में भले ही इसे जाप कहा जाए, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे मोशन स्लोगन कहते हैं, यानी बल प्रयोग करते समय किया जाने वाला उच्चारण। अगर ये बल के साथ एक तीव्रता के साथ किया जाए तो बल की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। ये एक तरह की तकनीक है जिसे सदियों से आजमाया जाता रहा है, किसी भी भारी चीज को यहाँ से वहां उठाने या खींचने में। इसे तरह तरह के स्लोगन के साथ अंजाम दिया जाता है और इसका सिंपल साइंस ये है कि अगर बल के साथ एक तय फ्रीक्वेंसी की आवाज एक समय पर निकाली जाए तो इससे वस्तु पर लगने वाले बल का प्रभाव बढ़ जाता है। बल के विज्ञान को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फुटओवर ब्रिज पर रैंडमली 200 से 300 लोग एक साथ पैदल आ रहे हैं। इन सभी लोगों की चाल से पैदा होने वाले बल से ब्रिज का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर यही 300 लोग सेना की किसी टुकड़ी की तरह एक साथ कदम ताल करते हुए कोई स्लोगन एक साथ बोलते हुए ब्रिज से गुजरे तो बल इतना ज्यादा हो सकता है कि ब्रिज टूट भी सकता है। अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों की माने तो 90 किलो के जिस पत्थर को लोगों की आस्था चमत्कारी मानती है वो दरअसल मिश्रित बल के सिद्धांतों के आधार पर उठाई जाती है। ये और बात है कि इसे उठाने वाले लोगों को बल के इस विज्ञान का पता नहीं, इसलिए ये 8 साल से रहस्य है। वैसे हमारी कहावतों में ये कहा जाता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसी तरह विज्ञान का यह सिद्धांत है, ज्यादा बल के लिए शक्ति के स्रोतों को एक करना होता है। आज के रहस्य में बस इतना ही। अगले शनिवार को हम फिर से हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।